तो मेरे भाई लोग, और एक अब लोगों के लिए एथिक्स वाला रील ट्यूटोरियल लेकर आ गया। अब लोग पहले वाला और सेकंड वाला रील में बहुत अच्छा खासा प्यार दिया, तो इसलिए मैंने सोचा एक और एक एथिक्स वाला रील ट्यूटोरियल लेकर आ जाओ। और ये रील भी इंस्टाग्राम पे काफी वायरल है और इसके अंदर जो साउंड है उसके वो भी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं इंस्टाग्राम पे। तो कैसे आप लोग वीडियो को एडिट करोगे, कैसे शूट करोगे प्रॉपरली आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो शुरू से तक लास्ट तक वीडियो को देखो, आप लोग बना सकते हो इस टाइप का रील। तो चलो जल्दी से रील को हम लोग एडिट कर लेते हैं। रील एडिट करने के लिए सबसे पहले कुछ इस प्रकार से प्रोसेस करके एक वीडियो शूट करना पड़ेगा। तो देख सकते हो मैंने कुछ इस प्रकार से बैठ करके वीडियो को शूट किया है। तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपना स्काई ऊपर साइड रखना पड़ेगा, और आप खड़ा होकर के भी वीडियो शूट करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं चल नहीं सकता इसलिए मैंने बैठ करके इस टाइप का वीडियो को शूट किया है। तो सिंपल आप लोग इस प्रोसेस दे करके वीडियो को शूट करना, पहले एक कुछ स्लाइड कर रहे हो ऐसे करके, दो तीन स्टेप दे करके अपना इस टाइप का वीडियो को शूट करके इस स्टेप से कर लेना। तो चलो अभी रील को एडिट कर लेते हैं, वीडियो को शूट करना सिखा दिया आप लोगों को। तो सबसे पहले आप लोगों को रील एडिट करने के लिए कैपकट आपका जरूरत पड़ेगा। तो कैपकट आप लोगों के पास नहीं है तो सिंपली मैंने टेलीग्राम चैनल जाकर डाउनलोड कर लेना। तो अभी तो सभी के लोगों के पास कैपकट है, और नहीं है तो कोई बात नहीं, टेलीग्राम चैनल में आकर के पिन मार मिल जाएगा कैपकट आपका, यहाँ पे आकर के सिंपली डाउनलोड कर लेना। उसके बाद सिंपली आप लोग कैपकट चलाने के लिए इंडिया में वीपीएन का जरूरत पड़ेगा। तो आप लोग एंड्रॉइड यूजर हो तो प्ले स्टोर में जाकर के तुर्पू वीपीएन सुपर वीपीएन सर्च कर लेना, मिल जाएगा। और आप लोग एप्पल यूजर हो तो सिंपली इस वीपीएन को कनेक्ट कर लेना। मैंने इस वीपीएन को कनेक्ट करके रखा हूँ और इसका लोकेशन मैंने सिलेक्ट करके रखा हूँ, कुछ इस प्रकार से लोकेशन मैंने सिलेक्ट करके रखा हूँ। तो सिंपली आप लोग लोकेशन सिलेक्ट करने के बाद आप लोग जस्ट कैपकट को ओपन करना पड़ेगा। कैपकट को ओपन करने के बाद न्यू पेज दिखा देगा, उसको क्लिक करना, और जो वीडियो आपने शूट किया हो उस वीडियो को सिंपली यहाँ पे ऐड कर लेना। तो मैं जस्ट वीडियो को ऐड कर लेता हूँ। तो 17 सेकंड का वीडियो था, तो कुछ इस प्रकार से वीडियो है। तो मैं जस्ट इस वीडियो को ऐड करने के लास्ट में कैपकट लोगो रहेगा इसको डिलीट कर देंगे, और इसका जो वॉल्यूम रहेगा इसको भी सबसे पहले म्यूट कर देते। तो सिंपली वॉल्यूम पे जाकर के इसको म्यूट कर दिया मैंने, उसका इसको डन करेंगे। तो जो मुझे पार्ट अच्छा लगेगा तो मैं वहाँ से लूँगा। तो कुछ यहाँ से मैं प्रोसेस दे रहा हूँ, तो आगे का पार्ट मैंने यहाँ पे बैठा था तो आगे का पार्ट यहाँ पे काट कर लेता, अभी इसको काट करके इसको डिलीट कर लेते। उसके सिंपली थोड़ा सा यहाँ पे कुछ रुक जा रहा हूँ तो इसको भी थोड़ा सा मैं हटा दूंगा यहाँ पे ऐसे करके कुछ, तो इसको भी बीच में इसको हटा देते हैं कुछ ऐसे करके मैंने कर रहा था। तो जब इस स्लाइड जहाँ पे करेंगे वहाँ से मैं लूँगा, तो ऐसे हाथ को मैंने स्लाइड करने के लिए पोजीशन दिखा रहा था, इसको भी बीच का पार्ट को हटा देंगे। तो आप अच्छे से ध्यान से करना, तो मेरा थोड़ा सा तबीयत का प्रॉब्लम है तो इसलिए मैं ज़्यादा से अच्छा वीडियो शूट नहीं कर पाता हूँ। तो जितना हो सके बैठे बैठे मैं उतना ही वीडियो प्रोसेस देता हूँ, तो आप अपने हिसाब से दे सकते हो। तो सिंपली कुछ ऐसे करके मैंने वीडियो पार्ट को अभी यहाँ पे ले लिया। तो लेने के सिंपल आप लोगों को क्या काम करना पड़ेगा, वीडियो को रोटेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे रोटेट ऑप्शन पे चले जाना, और यहाँ पे स्क्रीन स्नैप पे चले जाना, और इसको वीडियो लेयर के ऊपर क्लिक करना। उसके सिंपल इसको आप लोगों को घुमा लेना पड़ेगा, तो घुमा के एकदम पूरा फुल करना पड़ेगा, फुल कर लेंगे इसको, और इसको भी सेव हम कर लेंगे। हो गया, तो होने के बाद सिंपल अभी यहाँ पे कुछ इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे 3 बार मैंने स्लाइड करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ऑडियो पे चले जाना, और यहाँ पे एड ऑडियो पे जाकर के एक्स्ट्रा ऑडियो को लेना पड़ेगा। तो सिंपली ऑडियो पे जाकर के एक्स्ट्रा ऑडियो को ले लेता हूँ, मैंने ले लिया ऑडियो को, तो आगे लेकर आ जाऊँगा। तो आप लोग सारे वीडियो मटेरियल जो चाहिए आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। तो सिंपली आप लोगों को यहाँ पे कुछ इस प्रकार से एक बीट आएगा 7 सेकंड के आसपास। तो उतना तक हम लोगों का वीडियो भी लास्ट तक नहीं है, तो उतना तक हम लोगों को लेना है। तो लेने के लिए सबसे पहले यहाँ पे 7 तक आप लोगों को वीडियो लेयर को रखना पड़ेगा। तो 7 सेकंड तक लेंगे तो सबसे पहले हम लोग 3 बार स्लाइड करूँगा। तो यहाँ पे 1 बार, उसके बाद 2 बार, और उसके बाद 3रे बार, ठीक है। और 4थे बार मैं इसको ऐसे करके रखूँगा। तो इसको 3 बार मैंने किया, तो इसका पार्ट को आगे का इसको हटा लेंगे। इसको हटाने के बाद इसको मैं रखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टेबल कर रहा हूँ को, सिंपली इसको हटा देते तो कुछ ऐसे करके था, उसके बाद सिंपली ऐसे करके स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे 7 सेकंड के बाद आपको अपना हाथों को ऐसे करके फैला देना पड़ेगा। तो सिंपली मैं देख लेता हूँ और भी कुछ छोटा पार्ट ना आया तो, दो बार 3 बार, तो यहाँ पे हमारा 3 बार हो रहा है। तो थोड़ा सा आगे का पार्ट और कट कर लेते, थोड़ा सा और कट कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। करने के बाद मेरा अभी यहाँ पे ठीक से एडजस्टमेंट भी हो जाएगा। तो कुछ इसका आगे पर जो थम रहा है उसको हम लोग ऐसे करके लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो कुछ इसका पार्ट को आगे का पार्ट इसको ऐसे करके ले जा रहे, तो इसको थोड़ा सा कट करके रख दिया मैंने, और इसको भी फैला रहा है, तो इसको भी इतना तक लेंगे, ठीक है। तो ऐसा लगेगा
यहाँ पे हाजिर रुका रहे हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे करके मैंने तीनों बार करने के, कुछ ऐसे करके स्टेबल कर रहे हो, ठीक है। तो कुछ ऐसे करके आपको करना पड़ेगा ध्यान से इस पार्ट को करने के बाद। सिंपली आप लोगों को यहाँ पे इस पार्ट को पूरा एकदम स्लो मोशन दे देना पड़ेगा। तो स्लो मोशन देने के लिए सिंपली आप लोगों को टेर को टच करके, इसको स्प्लिट पे जा करके, इसको कार्ड पे जा करके, इसको एडिट पे जा करके, तो जो मैंने दे रहा हूँ वो सेटिंग आप लोगों को मिल जाएगा लेगम चैनल के अंदर। तो आप लोग ऐसे करके कर लेना। और यहाँ पे की दे देंगे, एक बार देख लेते कितना तक हुआ, उसके बाद बेटर क्वालिटी करेंगे। तो ज़्यादा हो गया गाइस, इसे कम करना है मुझे, थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेंगे। और एक बार देख लेता हूँ, अभी थोड़ा सा कम हो गया, अभी सही है। तो इसको हमें अभी बेटर क्वालिटी कर लेते हैं। बेटर क्वालिटी करने के बाद स्लो मोशन ऐड हो चुका अच्छे से, इसको डन कर देंगे। और हम लोग क्या करेंगे, इसका सिचुएशन को जीरो कर देंगे। सिंपली यहाँ पे एडजस्ट में जा करके एकदम सिचुएशन को जीरो कर देना माइनस। तो मैंने एकदम पूरा माइनस कर दिया, इसको डन कर दिया। उसका सिंपली हम लोग इसका कॉपी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कॉपी करने से पहले कुछ यहाँ पे एनिमेशन ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग जो स्टार्टिंग में ऐड करेंगे एनिमेशन, तो सबसे पहले ओवरले पे जाएंगे, ऐड ओवरले, उसके सिंपल आप लोगों को इस वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो इसको ऐड करने के बाद सिंपल इसको घुमा लेंगे ऐसे करके, और इसको हम लोग एक साइड रख देंगे। तो आप अपने हिसाब से स्क्रीन के साइड में रख सकते हो, तो मैं कुछ यहाँ पे इस प्रकार से रख दूंगा। और इसको ब्लास्पून को हटाने के लिए ब्लेंडिंग में जाना, और इसको फिल्टर कर देना, और इसको डन कर देना। और इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, मेरा 60 पे ऊपर आ जा रहा है। तो कुछ यहाँ पे मैंने रख दूंगा, तो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। कुछ यहाँ से स्टार्टिंग से वो रहेगा ऐसे करके, कुछ स्टार्टिंग से रहेगा। और इसको हम लोग कितना तक रखेंगे, इतना तक, वीडियो पार्ट तक, ठीक है। इसको एकदम कट कर लिया मैंने। उसके बाद आप लोगों को एनिमेशन ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ से एनिमेशन स्टार्ट होगा, तो ओवरले पे चले जाना। और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से मैंने फ़ोटो दे दूंगा, तो यहाँ पे कैसे बनाते फ़ोटो वो भी मैं दिखा दूंगा वीडियो के एंड में। तो सिंपली मैं स्टार्टिंग में इस फ़ोटो को ऐड करूंगा, और इसको मैं घुमा लूंगा ऐसे करके। तो सारे आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर मिलेगा, उसको सेलेक्ट करना। और यहाँ पे कट आउट पे जा करके इसको कोमा की को ऑन करके सिंपली इसको यहाँ पे रख देना, और इसको ऑन कर देना एकदम। डन हो गया। उसके बाद सिंपली इसको आप लोगों को यहाँ पे ऊपर साइड रखना पड़ेगा, कहाँ पे, इस साइड, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम रखेंगे, और कुछ ऐसे करके जब हाथ को ले रहे हो ऐसे करके आपको रखना पड़ेगा। तो यहाँ से एक की दे देंगे, यहाँ पे एक की, और यहाँ पे चला जाएगा एकदम, यहाँ पे कुछ ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रुकना, उसके थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड करना, यहाँ पे थोड़ा सा और आगे लेकर आना पड़ेगा। यहाँ पे एक की थोड़ा आगे दे दिया, उसके बाद इसको एकदम लेकर आएंगे, और यहाँ कहेंगे उसके थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड करेंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा टाइम नहीं, थोड़ा सा। उसके तभी जब स्लाइड कर रहे तब उसको लेकर जाएंगे ऐसे करके, स्लाइड करके एकदम लास्ट तरफ चले जाना। हो गया, यहाँ पे ऐड ऐसे करके एनिमेशन सिलेक्ट हो जाएगा, हो गया। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट आपको लेकर आना पड़ेगा, और इसको कम कर देना पड़ेगा एकदम। उसके बाद यहाँ पे ऐड, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग इसको ऐड करेंगे, और इसको एकदम कट करके कोमा की को ऐड करेंगे। तो कुछ यहाँ पे इसको भी सेम हम लोग लास्ट तरफ चले जाएंगे एकदम लेकर के, और यहाँ पे की दे देंगे, अभी चलाया जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे इसको भी सेम होल्ड करने के, इसको भी स्लाइड, ठीक है। तो हो गया, इसका नेक्स्ट पार्ट को भी सेम इसको कट करेंगे, उसको लास्ट यहाँ पे इसको भी ऐड कर लेते हैं कोमा की सेम। गाइस इसको लास्ट पार्ट में रखेंगे, गलती से मैंने इसको ले लिया। तो अभी लास्ट पार्ट से पहले एक और ऐड करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया। इसके बाद इसको कुमाकी को अभी ऐड करने का दी, इसके अंदर भी की फ्रेम ऐड करेंगे, और इसको भी स्लाइड करके यहाँ पे रखेंगे,
होल्ड कर देंगे, उसके बाद इसको भी सिलेक्ट करेंगे। एकदम ये भी चला गया, और इसका भी जो लास्ट पार्ट रहेगा इसको भी हटा देंगे, एकदम ऐसे करके हट जाएगा। यहाँ पर स्टार्टिंग में और कुछ यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा, थोड़ा सा और भी यहाँ पे पोजीशन लेना चाहिए था, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट कर लिया, तो अब लोग ध्यान से करना, ठीक है। यहाँ पे स्टेबलिश करोगे उसके ऊपर यहाँ पे हाथ को ऐड कर रहे हो, तो कुछ यहाँ पे कुछ इस प्रकार से वो ऐड हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आप लोगों को कर लेना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे करके कुछ बन जाएगा आपका। उसके बाद अभी आप लोगों को क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पे लिरिक वाले करना पड़ेगा। तो लिरिक वाला ऐड करने से पहले सिंपली यहाँ पे ऐड पे चला जाना, और यहाँ पे इसको ऐड कर लेना जिस साउंड के ऊपर आप रील को बना रहे हो, तो सिंपली साउंड वाला को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो कोमा की जा करके सिंपली इसको कोमा की को ऑन करके इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, इसको डन, और हम लोग इसको घुमा करके इसको अभी यहाँ पे रख देंगे और एकदम पूरा फुल कर देंगे इतना तक। तो कैसे इस टाइप का बनाना है वो आप लोगों को लास्ट में बताता हूँ गाइस, और ये सारे आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा। तो कुछ यहाँ पे नीचे आप लोगों को लिरिक को ऐड करना पड़ेगा, तो सिंपली हम यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन वाला वीडियो को ऐड करेंगे। तो सिंपली ओवाले पे जाएंगे, एडोबल पे जाएंगे, और टेक्स्ट जो लिरिक वाला वीडियो इसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो फर्स्ट स्टार्टिंग से इसको रख देना, ठीक है। तो इसको स्टार्टिंग से रखने का इसको पूरा एकदम फुल कर देना, ये आप लोगों को मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर। तो सिंपली इसको ब्लैक स्क्रीन हटाने के लिए ब्लेंडिंग और फिल्टर और इसको डांस, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपका लिरिक यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इसको हम लोग एडजस्ट करने के लिए सिंपली लाइक ऊपर टच करके कुछ ऐसे करके काम ज़्यादा अपने वीडियो के अकॉर्डिंग रख सकते हो, और इसको भी आप लोग अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हो। तो इसको भी यहाँ पे जहाँ पे रखना चाहते हो आप अपने हिसाब से इसको ऐड कर सकते हो। तो सिंपली कुछ मैं यहाँ पे लिरिक वाला वीडियो ऐड कर लिया, इसका जो साउंड रहेगा इसको वॉल्यूम पर जा करके म्यूट कर दूंगा, हो गया। उसके सिंपली लिरिक वाला वीडियो पे ऐड होने के बाद आप लोगों को जस्ट पैक करना पड़ेगा, और लिरिक अपना सॉन्ग के हिसाब से लिखना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पे टेक्स्ट पे जा करके अपने ऑडियो के अकॉर्डिंग लिरिक को यहाँ पे लिख सकते हो, और फोन भी आप लोगों को यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो इसको मैं डन कर लूँगा, मैंने डन करके बैक कर लिया। तो नेक्स्ट जो काम है सिंपली ओवाले पे जाएंगे, ऐड ओवाले पे जाएंगे, और आप लोगों को सिंपली कुछ इस प्रकार से वीडियो प्रकार से नहीं, दो तीन प्रकार से मैं वीडियो देंगे टेलीग्राम चैनल के अंदर, तो उसमें वीडियो को ऐड कर लेना, और इसको से मेरे फुल स्क्रीन कर लेना। इसके सिंपली आप लोग इसका जो सामान है इसको सबसे पहले म्यूट, आप लोगों को अपना वीडियो के अकॉर्डिंग ले लेना। तो इसको कट करके इसको हटा देंगे, लास्ट का पार्ट जो हटा दिया मैंने, और लेयर को ऊपर टच करके हम लोग सिंपली जहाँ पे जाएंगे मास्किंग के ऊपर, तो मास्किंग को मैंने ऑन कर दूंगा, और इसको नीचे साइड को सिलेक्ट करेंगे, और इसको हम लोग रखेंगे कुछ इस प्रकार से, और इसको आप लोगों को लाइन को थोड़ा सा नीचे लेकर आना पड़ेगा, उसके सिंपली इसको थोड़ा सा फेड कर देना, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपका बन जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे रखूँगा, और अब इसको डन करेंगे। डन करने के बाद हम लोग इसका ऊपर जो पार्ट है इसको ढक गया, तो उसको हटाने के लिए लेयर को ऊपर टच करना ऊपर वाला, और हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद नीचे इसको लेकर आना पड़ेगा, और वाले पे चले जाना, और इसको हम लोग को यहाँ पे स्लाइड करके आपका सेकेंड जो यहाँ से पार्ट शुरू है उतना तक रखना, और इसके ऊपर बैकग्राउंड आ गया, तो इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नीचे सेलेक्ट करके कटआउट पर जाएंगे, और इसको बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे। बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, और जैसे तो ऊपर ही आ गया, ठीक है। इसको डन कर देंगे, ऐसा करके कुछ बन जाएगा आपका। इसको बैक कर लेते हैं, और लेयर को एकदम लेकर आने के लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करके लेयर फोर कर देंगे, तो हो गया फोर ही देख सकते हो। और ऊपर जो पीएनजी था उस पीएनजी को ऊपर आने के लिए यहाँ पे फोर, और टेक्स्ट वाला जो लीग है उसको भी फोर कर देना, सारे एकदम ऊपर आ गए देख सकते हो। एक काम होने का इसको बैक कर लेना, उसके सिंपली आप लोगों को एक इफेक्ट ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे वीडियो इफेक्ट पे जाना पड़ेगा, इफेक्ट पे जाने के बाद, और उसके बाद सिंपली सेकेंड पे जा करके सिंपली इसका सेटिंग को सेट कर देंगे, एकदम कम कर लेंगे, और इसको डाल करके छोड़ दिया मैंने। उसके सिंपली इसको पूरा एकदम ले लेंगे वीडियो के ऊपर। तो सिंपली फुल करने के बाद अब लोगों को सिंपली सिलर को ऊपर टच करना, और सिंपली ओवर ले कर देना। तो सिंपली यहाँ पे इसके ऊपर ऐड हो जाएगा इफेक्ट, तो जस्ट इसके ऊपर ही लगेगा, हो गया। उसके सिंपली इसको बैक कर लेना, तो इतना तक आप लोगों का काम हो चुका कम्प्लीट। तो अभी आप लोगों को जो लास्ट काम बचा है यहाँ पे जो स्टार्टिंग वाला वीडियो इसके अंदर कलर ग्रेड, तो सिंपली क्या करोगे, नीचे सेलेक्ट करोगे, एडजस्ट पे जाओगे, उसके सिंपली आप लोगों को क्या काम करना पड़ेगा, अपने वीडियो के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रास्ट को आप लोग बढ़ाना होगा।
तो कॉन्टेस्ट पे जाकर के थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना और सिचुएशन को भी थोड़ा सा अपने हिसाब से इंक्रीज कर लेना। उसके बाद आप लोग एक्सपोजर को भी कम कर लेना पड़ेगा। उसके यहाँ पे सप्रेशन को जाकर के पूरा 50 के आसपास, HSL पे जाकर के सिंपल आप लोगों को अपने वीडियो को जो ड्रेसअप है उसके ऊपर से करना पड़ेगा। तो मैं रेड कलर का यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा और इसको भी और इसको भी। उसके ग्रीन पे जाकर के ग्रीन को एकदम मैं फुल कर दूंगा क्योंकि मेरा साइड में घास है तो इसलिए मैं इसको फुल कर लिया ऐसे गए कुछ। उसके बाद स्काई पे जाकर के इसको भी सेम करके इसको भी एडजस्टमेंट और इसको भी सेम तरीके से कर लेंगे। उसके इसको डन कर देने गए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ग्रेडियंट पे जाएंगे और हम लोग ग्रीन यहाँ पे जो स्काई कलर है इसके ऊपर क्लिक करके बीच में की दे देंगे और इसको हम लोग स्लाइड करके यहाँ पे नीचे से रेडियो पे रख देंगे। तो इसके ऊपर डन करके बैक करेंगे और पूरा एकदम हमारा वीडियो है मतलब स्टार्टिंग वाला उतना ही हम लोग रखेंगे। तो इतना तक हम लोग करेंगे 7 तक, ठीक है 7 सेकेंड तक। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हमारा कलर ग्रेड भी हो चुका है और इसके अंदर इफेक्ट भी लग चुका है। तो वीडियो को सेव करने के लिए यहाँ पे क्वालिटी वगैरह सेलेक्ट करके इसको एक्सपोर्ट कर लेना, वीडियो आपका सेव हो जाएगा। तो चलो अभी आप लोगों को दिखा दो कैसे उस प्रकार से आप लोग फोटो बनाओगे। तो सिंपल आपका पिक्सर ऐप को ओपन करना पड़ेगा और मैं एक फ्रेम दे दूंगा, उस फ्रेम को आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल का मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसको भी क्लिक करेंगे हम, उसके सिंपल हम लोग यहाँ पे ऐड फोटो करेंगे। तो फोटो ऐड करने के लिए नीचे सेलेक्ट करना, उसके सिंपल यहाँ पे ऐड फोटो पे जाने के बाद इस प्रकार से आपको मिल जाएगा ग्रीन स्क्रीन वाला फिल्टर। उसके सिंपल इसको रख के यहाँ पे रख देना और आपको जस्ट यहाँ पे रखने के बाद फिर से ऐड फोटो और आप अपना यहाँ पे फोटो एक सिलेक्ट कर लेना सॉन्ग के हिसाब से। तो सिंपली मैं सॉन्ग के हिसाब से कुछ इस प्रकार से इसको रखेंगे। तो आप जिस साउंड के ऊपर मतलब जिस मूवी के ऊपर रील बना रहे हो साउंड उसके ऊपर से आप लोग ऐसे करके बना सकते हो। इसको ऐड करके नेक्स्ट करके ऐड देखने के बाद आपका यहाँ पे सेव हो जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे करके आप एक क्लिक के अंदर इस टाइप का फोटो बना सकते हो। तो वीडियो को अच्छा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब हो सके तो वीडियो को फ्रेंड्स शेयर भी कर देना। कुछ जरूरत है कॉन्सेप्ट के बारे में वो भी कमेंट में बता सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।